नमस्ते दोस्तों, इंडियन मोबाइल में आपका स्वागत है। आजकल आपके सबके घर पे गणपति तो आ रहे होंगे, नहीं आए होंगे तो भी आप गणपति के बहुत ही अच्छे मोबाइल से DSLR के जैसे कैसे फोटोज ले सकते हैं वो यहाँ देखते हैं। दोस्तों, हम बहुत सारी सजावट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि बैकग्राउंड कैसा है, पर एक टर्मिनोलॉजी है फोटोग्राफी में, वो फोटोग्राफर यूज करते हैं, वो है फोरग्राउंड। तो फोरग्राउंड जैसे कि आप जो सब्जेक्ट है, आपका जो गणपति जी है और आपके कैमरा के बीच में जो भी आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे यहाँ लाल कलर का जो फूल आ गया, रेड कलर का फ्लावर आ गया, कोई शाइनी कलर के हमारे डेकोरेशन मटेरियल आ गया, ये सबको आप फोरग्राउंड बनाइए और फिर गणेश जी के ऊपर फोकस करिए और आप फोटो क्लिक कीजिए। वो फोटो आप देखिए, वो फोटो आप लोगों को दिखाएंगे ना तो वो कोई कहेगा नहीं कि आपने मोबाइल से यूज करके फोटोग्राफ क्लिक किया है। ये देखो, एक और है जैसे सिल्वर कलर का ये आ गया, उसमें मैं एकदम आइस के ऊपर फोटोग्राफी के मतलब फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये है क्लिक। अब मैं ये फोटो आपको देखो, ये कितना बढ़िया फोटो है। इसी तरह से आप अपने DSLR के जैसे लुक अपने मोबाइल से ला सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली यूज करें, स्मार्ट एंगल का यूज करें, ऐसे ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें, आपके कैमरा के नजदीक जो रिफ्लेक्ट करे और आपको एक शाइनी सा अलग कलर के अलग अलग डिफरेंट शेड्स के बैकग्राउंड इफेक्ट्स दे सके, और वो फोरग्राउंड में जो मैजिक है ना दोस्तों, ये सारे फोटोग्राफर्स सब कुछ सिखा सकते हैं, पर फोरग्राउंड हमें ढूंढना होता है। हम यूट्यूब पे देखते हैं कि बैकग्राउंड ये वो रूल ऑफ थर्ड ये सब मैं धीरे धीरे यहाँ बताऊंगा, बट आप पहले अपना फोरग्राउंड यूज करो ताकि मोबाइल से आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी बहुत ईजीली, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आपको मैं सारा एक्सपोजर, फोकल, एडिटिंग, शटर स्पीड क्या होती है, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी और कैसे इम्प्रूव करनी है वो सब मैं बताऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, अपने अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करो फोरग्राउंड की मदद से और मिलते रहो। जय।